आप सुन रहे हैं सहर विद कामिनी खन्ना। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदया तन्नो रुद्र प्रचोदया। बात करते हैं महादेव की तो वैराग्य और परम आनंद की स्थिति आज्ञा चक्र को जागृत करने की स्थिति की बात होती है। छह चक्र जागृत हो जाते हैं और सातवां चक्र सहस्त्राधार जागृत करने के लिए हमें निरंतर साधना में एकांत में बैठना चाहिए। यही वो समय है, यही वो बेला है जब आप अपने भीतर उतर के खुद की खोज कर सकते हैं। सुप्रभात सुप्रभात सुप्रभात। मैं कामिनी खन्ना सहर कार्यक्रम में आप सभी के साथ आज 24 जून 2024 की देती हूँ ढेर ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं। आज चंद्रमा मकर राशि में, अहोरात्र नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा, सूर्य का नक्षत्र। थोड़ी ही देर में हम जानेंगे कि कल बुध उदित हो गए थे। बुध इन दिनों मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं और कितना अच्छा असर दे रहे हैं बुध उदित होकर मेष से लेकर मीन राशि पर, जानेंगे हम। मेष राशि, उदित बुध अब आपको पूर्ण असर अच्छा दे पाएंगे मिथुन राशि का। आपकी यात्राएं बड़ी सुगम होंगी, छोटे भाई बहनों से फायदा, नौकरी लगने के संपूर्ण योग। और आप चाहते हैं कि अगर कोई उत्साह और पराक्रम से भरा हुआ कार्य पूर्ण करना कर सकते हैं, करिए। वृषभ राशि, आपके लिए धनार्जन की संपूर्ण स्थितियां बन चुकी थी, अब ये धन संचित होने की संपूर्ण स्थितियां बनेंगी। बोलने चालने के कामों में आपकी तारीफ होगी। काउंसलिंग कंसल्टेशन सिंगिंग या व्यवहार ज्ञान कुशलतापूर्वक बातें करना, इन सब में जैसे कि कोई मोटिवेशनल लेक्चर देता है तो आपका नाम होगा, काम होगा। मिथुन राशि, आपकी पर्सनालिटी में हो जाएगा, वाणी में हो जाएगा, काफ़ी कॉन्फिडेंट रहेंगे आप, आपके मंगल कार्य होंगे घर में और साथ में व्यवहार ज्ञान और कुशलतापूर्वक आप अपने कार्यों को सिद्ध करने के लिए आगे बढ़ेंगे। कर्क राशि, विदेश रिलेटेड कामों में आपका खूब नाम होगा। हालांकि बारहवें बुध जो है वो नीच का माना जाता है, लेकिन इतना घबराने की ज़रूरत नहीं। जब कोई स्वग्रही ग्रह होता है तो अपने घर का कभी बुरा नहीं करता है और ये 12वां बुध आपके लिए कई प्रकार की उपलब्धियां, विदेशों से नौकरी से रिलेटेड और अगर प्रेम संबंध में खटास ही तो वो भी ठीक करने के लिए आया है उदित होकर। सिंह राशि, आपके लिए अब देखिए धन अर्जन होगा, धन आएगा, केसेस विवाद, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवाद खत्म होंगे, पिता समान लोगों से, ताया चाचा से सपोर्ट मिलेगा। कन्या राशि, धन आगमन तो तब होगा ना जब कार्य बढ़ेगा और अब कार्य बढ़ गया, आप कार्यों में विशेष रुचि लीजिए, अब अपने कार्यस्थल पर अपना कार्य बढ़ाने की कोशिश कीजिए, इंक्रीमेंट हो सकती है, बड़े ओहदे मिल सकते हैं। तुला राशि, बुध उदित होकर भाग्यवर्धक संदेश से लेकर आएंगे, आपके कई सारे काम भाग्य से रिलेटेड बनाएंगे, जो नसीब से मिलेंगे वो काम खूब बढ़ेंगे। आपके कई सारे कार्य पढ़ाई से रिलेटेड, कोई आपको वीज़ा चाहिए था या आप उससे बढ़ाना चाहते थे, बढ़ेंगे, बड़े भाई बहन और पिता समान लोगों से या पिता से आपको खूब फायदा होगा। वृश्चिक राशि, तबीयत एकदम अच्छी हो जाएगी, पहले से ज़्यादा आश्वस्त रहेंगे अपने बिजनेस को लेकर, अपने वैवाहिक जीवन के सपोर्ट से खूब आगे बढ़ेंगे और व्यावसायिक जीवन के पार्टनर से भी सपोर्ट मिलेगा, नौकरी लगने के चांसेस हैं। धनु राशि, वैवाहिक जीवन और व्यावसायिक जीवन के पार्टनर से खूब सहयोग, जानिए कि आपके शादी के वरवधु के योग आए हुए हैं, आप जो हैं हाँ बोलिए और आगे बढ़िए। बड़े दिनों से आप व्यवसाय करना चाहते थे लेकिन आपकी हिम्मत हौसला आपको जवाब दे रहा था, तो अब बुधादित्य योग है, महालक्ष्मी योग है, आगे बढ़िए। मकर राशि, कई सारे लोन्स वगैरह पास हो सकते हैं, कई सारे काम आपके हो सकते हैं जिसमें इन्वॉल्व हैं आपके
मामा पक्ष और बैंकिंग रिलेटेड सपोर्ट भी है, लोन्स भी मिल सकते हैं, साथ साथ नौकरी के योग भी लग सकते हैं। कुंभ राशि। मानसिक बेचैनी बिल्कुल भी खत्म, अब बच्चों से सपोर्ट, अपना कॉन्फिडेंस में वृद्धि और साथ साथ आपको मिल सकता है अपने मित्रों का सहयोग, आप पा सकते हैं व्यवसाय में वृद्धि। मीन राशि। आपके लिए अब घर में सुख सुविधा की रेल चल, माता पक्ष से सहयोग, वहीं पर वाहन वगैरह ला सकते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड सौदे कर सकते हैं और अपने स्टाफ से सहायता ले सकते हैं। बुध को लोग कमजोर ग्रह मानते हैं और सोचते हैं द्वि स्वभाव का है, कभी चंचल हो जाता है, कभी ये बोलता है वो बोलता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बुध अपने आप में बहुत स्ट्रांग ग्रह है। यह आपकी बुद्धि पर, आपके विचारों पर, आपकी मानसिकता पर राज करता है। वहीं पर आपकी त्वचा, नाक, कान, गला, रेस्पिरेटरी सिस्टम और रिनल सिस्टम पर भी राज करता है। ऐसे बुध को एनहांस करने के लिए आपको ग्रीनरी से रिलेटेड कार्य करने चाहिए। मेरे हिसाब से बरसातें शुरू होने वाली हैं, पौधे लगाएं, पेड़ लगाएं, आपके जीवन में बुध से रिलेटेड समस्याएं खत्म होंगी। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।